नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक और हिस्टोरिकल वीडियो। वीडियो में जानने वाले हैं शेरशाह सूरी के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खान था। उन्हें शेर खान कहकर भी पुकारा जाता था और उनका शेर खान नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में शेर को मार गिराया था। दोस्तों, शेर खान की जन्म तिथि को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1485 से लेकर 1486 के बीच हिसार हरियाणा में मानते हैं, लेकिन इससे अलग कुछ विद्वान 1472 में रोहतास जिले के सासाराम में मानते हैं, जो बिहार में है। और इनके पिता का नाम हसन खान था, जो एक जागीरदार थे। शेरशाह को बचपन के दिनों में उनकी सौतेली माँ बहुत सताती थी, तो उन्होंने घर छोड़कर जौनपुर में पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी कर शेरशाह 1522 में जमान खान की सेवा में चले गए, पर उनकी सौतेली माँ को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने जमाल खान की सेवा छोड़ दी और बिहार के सब घोषित और स्वतंत्र शासक बहार खान नुहानी के दरबार में चले गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद फरीद ने अपने पैतृक जागीर पर कब्जा कर लिया। कालांतर में इसी जागीर के लिए शेर खान था उसके सौतेले भाई सुलेमान के मध्य विवाद हुआ। बहार खान के दरबार में वो जल्द ही उनके सहायक नियुक्त हो गए और बहार खान के नाबालिग बेटे के शिक्षक और गुरु बन गए। लेकिन कुछ वर्षों में शेरशाह ने बहार खान का समर्थन खो दिया, इसलिए वो 1527 से 1528 में बाबर के शिविर में शामिल हो गए। बहार खान की मौत पर शेरशाह नाबालिग राजकुमार के संरक्षक और बिहार के राज्यपाल के रूप में लौट आया। बिहार का राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने प्रशासन का पुनर्गठन शुरू किया और बिहार को मान्यता प्राप्त शासक बन गए। आइए बात करते हैं उस घटना की जिससे शेरशाह को दिल्ली राजगद्दी मिली और प्रसिद्धि मिली। अभी तक शेरशाह अपने को मुगल सम्राटों का प्रतिनिधि ही बताता था, पर उनकी चाहत अब अपना साम्राज्य स्थापित करने की थी। शेरशाह की बढ़ती ताकत को देख आखिरकार मुगल और अफगान सेनाओं को जून 1539 में बक्सर के मैदान पर भिड़ंत हुई। मुगल सेनाओं को भारी हार का सामना करना पड़ा और इस जीत ने शेरशाह का साम्राज्य पूर्व में असम की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में कन्नौज तक बढ़ा दिया। अपने साम्राज्य को वैध बनाने के लिए उन्होंने अपने नाम के सिक्कों को चलाने का आदेश दिया और यह मुगल सम्राट हुमायूं को खुली चुनौती थी। अगले साल हुमायूं ने खोए हुए क्षेत्रों पर कब्जा वापस पाने के लिए शेरशाह की सेना पर फिर हमला किया। इस बार कन्नौज पर हद से उत्साहित और बुरी तरह से प्रशिक्षित हुमायूं की सेना 17 मई 1540 को शेरशाह की सेना से हार गई और इस हार ने बाबर द्वारा बनाए गए मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया और उत्तर भारत पर सूरी साम्राज्य की शुरुआत की, जो भारत में दूसरा पठान साम्राज्य था लोदी साम्राज्य के बाद। अब बात करते हैं सरकार और प्रशासन की। शेरशाह सूरी एक कुशल सैन्य नेता के साथ साथ योग्य प्रशासक भी थे। उनके द्वारा जो नागरिक और प्रशासनिक संरचना बनाई गई, वो आगे जाकर मुगल सम्राट अकबर ने इस्तेमाल और विकसित की। शेरशाह की कुछ मुख्य उपलब्धियां अथवा सुधार इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले है ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण। शेरशाह सूरी एक दूरदर्शी एवं कुशल प्रशासक था, जो कि विकास के कामों को करना अपना कर्तव्य समझता था। यही वजह है कि सूरी ने अपने शासनकाल में एक बेहद विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाकर यातायात की सुगम व्यवस्था की थी। ग्रैंड ट्रंक रोड बहुत पुरानी है, प्राचीन काल में इसे उत्तरार्ध कहा जाता था। ये गंगा किनारे बसे नगरों को पंजाब से जोड़ते हुए खैबर दर्रा पार करती हुई अफगानिस्तान के केंद्र तक जाती थी। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रसार इसी उत्तरापथ के माध्यम से गंधार तक हुआ। यूं तो यह मार्ग सदियों से इस्तेमाल होता रहा, लेकिन 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने इसे पक्का करवाया। दूरी मापने के लिए जगह जगह पत्थर लगवाए, छायादार पेड़ लगवाए, राहगीरों के लिए सराया बनवाई और चुंग की व्यवस्था की। ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से पेशावर तक लंबी है। तीसरा है भारतीय पोस्ट विभाग का विकास। मध्यकालीन भारत के सबसे सफल शासकों में से एक शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में भारत में पोस्टल विभाग को विकसित किया और उसने उत्तर भारत में चल रही डाक व्यवस्था को दोबारा संगठित किया ताकि लोग अपने संदेशों को अपने कारीगरों और परिचितों को भेज सकें। इसके अलावा उन्होंने 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली, जो मुगलों की पहचान बनी, वो शेरशाह द्वारा शुरू की गई थी। पहला रुपया शेरशाह के शासन में जारी हुआ था, जो आज के रुपया का अग्रदूत है। रुपया आज भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मॉरिशस, मालदीप में राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंत में बात करते हैं शेरशाह की मृत्यु के बारे में। 22 मई 1545 में बुदेल राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए शेरशाह सूरी कलिंजर किले की घेराबंदी कर रहे थे, जहाँ उक्का नामक अग्नयास्त्र से निकले गोले के फटने से उनकी मृत्यु हो गई। बात करें इनकी समाधि की,
शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का काम शुरू करवा दिया था। उनका गृहनगर सासाराम स्थित उनका मकबरा एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ है। यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के काम का बेजोड़ नमूना है। इतिहासकार कानगो के अनुसार शेर शाह के मकबरे को देखकर ऐसा लगता है कि वह सुन्नी मुस्लिम थे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।